दोस्तों मैं आप लोगों से पूछूंगा नोटबंदी से क्या फायदा हुआ और आप बोलिएगा कुछ नहीं, ठीक है? गोल करो, आप आइए भाई साहब। भाई साहब नोटबंदी से क्या फायदा हुआ आपको? कुछ नहीं, ठीक है। अरे नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ आपको। आप बोलिए नोटबंदी मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बोलिए खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नमस्ते भाई साहब। अरे मुझसे सवाल पूछिए ना, मैं बताता हूँ आपको। मोदी जी ने पूरे देश को एक लाइन में खड़ा कर दिया और नोटबंदी उस फेल हो गई। इस पर कुछ बोलिए आप। हाँ? बोलिए। फेल तो हुई है नोटबंदी। मैं पूछता हूँ मोदी जी से, अरे काले धन से आखिर क्या परेशानी थी आपको? बेचारा चुपचाप पड़ा रहता था किसी अलमारी में, या किसी बेड के नीचे, या किसी बाथरूम की टाइल्स के पीछे। हाँ, अब नोटबंदी से काला पैसा तो निकलता नहीं है, धरना देने से निकलता है, गाना गाने से निकलता है, फेसबुक पर पोस्ट डालने से निकलता है। अब जिनके रहते 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, वो मनमोहन सिंह जी भी तो कहते हैं कि नोटबंदी फेल है। भले ही बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले 14,000 करोड़ का काला सफेद पैसा खुद रख कर गए, लेकिन नोटबंदी फेल है। सारे काले पैसों वालों के पते ठिकाने मिल गए। रेड मार मार के 30,000 करोड़ रुपए लेकर आए, लेकिन नोटबंदी तो फेल है ना? जाली नोट वालों के धंधे बंद हो गए, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई, पर नोटबंदी फेल है। टैक्स चोरों को अब छक मार के टैक्स भरना पड़ रहा है। 2 लाख फर्जी कंपनियों का पर्दाफाश हुआ, पर नोटबंदी तो गुरू, जिन गरीबों से तुम लोगों को अचानक प्यार मोहब्बत हो गई है ना, उन्हीं गरीबों के चरणों में अर्पण हो रहे हैं ये पैसे। फिर भी भाइयों नोटबंदी तो ठीक है। क्यों? देश, ये देशभक्ति, ईमानदारी, ये सब यहाँ काल्पनिक पात्र हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अरे जनगण मन के लिए 52 सेकंड तो हम खड़े नहीं हो सकते। अब पता नहीं मोदी जी ने क्या सोचकर हम लोगों को कैश की लाइनों में खड़ा कर दिया। एक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं, स्टारबक्स कॉफी पियेंगे आप? थोड़ा समय लगेगा, बड़ी लंबी लाइन होती है वहाँ। अरे छोड़िए, मोदी जी ने खुद को हीरो बनाने के लिए पूरे देश को। अरे मोदी जी आपका कैरियर तो सेट था ना, के लिए की नोटबंदी। पता था इस देश में काले धन से बड़ी समस्या है काला मन। कुछ नहीं होगा, इंडिया में दो ही चीजों को कोई नहीं हिला सकता, एक है हिमालय पर्वत और दूसरा मोदी जी का इरादा। अरे ठीक है भैया, चिंटू तुम पैकअप करो यार। अच्छा भाई एक बात बताइए, तुम्हारे घर में जब पानी की पाइप में कचरा फंस जाता है, भाभी जी क्या करती हैं? रिक्वेस्ट करती हैं क्या, कचरा भाई हट जाइए प्लीज? अरे पंप लगाकर कचरा बाहर प्रेस करती है ना। वही किया मोदी जी ने, बातों से नहीं, धरनों से नहीं, जात पात से नहीं, हिंदू मुसलमान से नहीं, खुशामत खोरी से नहीं, रिश्वत खोरी से नहीं, दादागिरी से नहीं, कचरा निकाला नोटबंदी से। और ये मोदी जी का ही नहीं, हमारा भी फैसला है, समझे? पर नोटबंदी से आपको क्या फायदा हुआ वो तो बताइए। नोटबंदी से मेरा देश साफ हुआ। अच्छा है, अच्छा है। चिंटू नाम लिख ले भैया का। लिख लो भाई, मैं हूँ भारत, मोदी जी के साथ चल रहा, मैं देश की ताकत। जय हिंद।